गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ने वाले सनी देओल, जिनको भाजपा द्वारा भी हैंडपंप देकर लोकसभा चुनाव दौरान सम्मानित किया गया था। जिला गुरदासपुर के लोगों ने दिल खोलकर वोटें डाली थी, जिसकी वजह से वे गुरदासपुर से भारी मतों से सांसद चुने गए थे। जीत के बाद इक्का दुक्का बार ही जिला गुरदासपुर में दिखाई देने वाले सांसद सनी देओल द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि गुरदासपुर लोकसभा हलका की नुमाइंदगी गुरप्रीत सिंह पलहेरी करेंगे। सनी देओल द्वारा जारी किया गया ये लेटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोगों ने ट्रोल करते हुए सनी देओल को गुरदासपुर हलका ठेके पर देने की बात की जा रही है, वहीं उनके वोटर भी निराश दिख रहे हैं। ये सच्चाई है कि उन्हें अपनी सनी देओल उन्होंने अपनी पावर जी किसी को दे दी है, तो ये लोगों के विश्वास के नाल शरेआम धक्का पठानकोट गुरदासपुर की जनता ने सनी देओल दे उत्ते बीजेपी पार्टी दे उत्ते अपना विश्वास जिहड़ा सीगा वह बना के इन्हां नूं उपर एम पी बना के भेजा सीगा, ताकि साडे इलाके का कोई ना कोई सुधार हो सके। जे इन्हां ने यही काम करना सीगा तां की लोड़ सीगी इलैक्शन लड़न दी, इन्हां नूं पहलां ही लिख के दे देना चाहीदा सीगा। लोगों के विश्वास नाल ये धक्का कर रहे ने, पार्टी धक्का कर रही है, ये जिहड़ा शरेआम धोखा है लोगों के नाल, आम जनता के नाल धोखा है। ये हर बंदे का विश्वास टुटता है, पार्टी तो टुटता है। जे ये काम करना सीगा तो ये इलैक्शन ही नहीं लड़ना चाहिदा सीगा, इहदे नाल ये बॉम्बे बैठे रहिंदे तो ज़्यादा वधिया रहना सीगा। इहदे नाल की है कि हुण आम जनता जिहड़ी है वो किस कोल जाएगी अपना दुखड़ा लैके, कोहदा कोल कोई मोहतवार नहीं है। जे इदां जने खणे नूं ही आपां देना सीगा तो फिर आपां इहनां दे विचों कोई बंदा खड़ा कर लैंदे, एडा वड्डे सीने स्टार नूं पठानकोट बना के लोकां दे नाल धक्का करन वाली किहड़ी गल सीगी। कि जो सनी देओल जी इतने आए थे उन्होंने साडा वादा किया कि जड़िया भी समस्या हो गई मैं इतने कोठी ले ली हैगी शांत बिहार के जिते भी ली है कोठी उत्थे मैं इतने रहांगा, पर उस सांसद बनने के बाद अज उन्होंने गुरमीत सिंह पहाड़ी उन्होंने अपना जरा चार दिता कि जड़िया समस्या उन्होंने सुनाई जा। मेरा तो एक ख्याल है कि सनी देओल जी ने लोकल लैवल जिस पठानकोट के एक अलग बनाना चाहिए अपना ओ एस टी, तो अपना दीनानगर गुरदासपुर बटाला जड़ियाँ कंस्टिचुएसी ने सुजानपुर हर एक लोकल लैवल का बंदे बनाना चाहिए। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता जो भी है अकालिया का कोई भी है लोकल लैवल से बनना चाहिए, क्योंकि पलहाड़ी को जान गुरदासपुर जाना पैनते और जड़िया पलहाड़ी को जाने लोकल लैवल का बंदा होएगा तो अं लोकल लैवल में मिल सकते हैं। पठानकोट परेशानियां ज पठानकोट समस्या चाहे साढ़े अपना रेलवे की समस्या हैगी है चाहे पुलों की समस्या जिड़ी भी समस्या जी पलहाड़ी में गुरदासपुर जाके नहीं मिले जा सकता। और मेरी अपना अपना सनी देओल जी अगर बेनती है कि जेडे उन्होंने वादे किए कि मैं इतने अपना अपना जी कोठी भी लवागा और आप इतने बह के समस्या सुनागा, पर अज उन्होंने मैं देख सोशल मीडिया के एक वायरल होएगा एक कि जिदे उन्होंने गुरमीत सिंह पहाड़ी को बनाया। मैं कहना गुरमीत सिंह पहाड़ी थान से अपना उन्होंने भी रहन दौ, गुरदासपुर उन्होंने भी रहन दौ, और पठानकोट के जरा बीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने लोग जानते हैं उन्होंने भी बनाया जाए, दीनानगर के भी जो लोग जानते हैं उन्होंने भी जो पांच सात उन्होंने प्रतिनिधि देने चाहिए है ता कि जो लोगों की समस्या डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर की समस्या या सांसद की जिन्हें भी समस्या उन्होंने अं लोकल लाभ दस सकी। जय हिंद जय भारत। सर बड़ी गलत गल है, सनी देओल जी ने जो भी इलैक्शन दौरान प्रोमिस किए थे साढ़े जिले के लोगों जिले की जनता नाल सारे उन्होंने झूठे साबित किए हैं। उन्होंने एक अपना नुमाइंदा चुन के साबित करता है कि उन्होंने साढ़े जिले में हूँ नहीं आना, जो भी उन्होंने सानू साड़ी जनता नू साढ़े भोले भाले लोगों गुमराह किया वो बिल्कुल ही शर्मनाक है। अहीं ये सारे बीजेपी वालों नू मांग करते हैं कि इस चीज़ का जो भी तुसीं साढ़े लोगों नाल जो भी विरोध किया उसका विरोध किया जाएगा, असी पूरा जवाबदेही होवांगे। जे लोगों ने वोटा पाइया लोगों को कहांगे कि उनके कोलों जवाब मंगो कि कित्थे है सनी देओल, किसी के दुख तकलीफ च नहीं आना, उन अपने जिले का बंदा नहीं कोई लभ्या, जिले का कोई बंदा नहीं उन्होंने लभ्या, उन्होंने बाहर के बंदे नूं अपॉइंट किया। ये बहुत ही दुख वाली गल है, बीजेपी कोलों असी जी इस गल का जवाब जरूर मंगांगे। सानू तां ये पहले ही पता सी भी सनी देओल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जिहड़े आए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बेस से उन्होंने लिया गया सी, वह जिहड़ा आपां लोगों नूं दसना चाहते सी पर उन्होंने किसी तरीके बेवकूफ बना के लोगों की वोटां लईयां, पर अज्ज साबित हो गया जिहड़ा कल दा सोशल मीडिया से लैटर चलता पिया। सब तो वड्डी पोल तां इह खुल्ली है बीजेपी वालियां दी भी जे बीजेपी वालियां नूं ना इत्थों कोई कैंडिडेट मिलता है, कैंडिडेट होए वह बॉम्बे का, हुण अज्ज जिहड़ा उन्होंने उस तो बाद अपना इत्थे नियुक्त किया अपना वह मोहाली तो कोई प्लेयर है, गुरप्रीत सिंह प्लेयर है, मैं तो जानता नहीं हाँ,
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰੇ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਐੱਮ ਪੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਪੀ ਏ ਬੋਂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੀ ਏ ਬਣ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਕੋ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ।